ए राधा, तुम ऑटो में कब आकर बैठी? ये क्या हो रहा है राधा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तुमने कहा था सपना मर चुकी है, पर वो जिंदा है। मैंने अभी देखा उसे और उससे पूछा तो वो कहती है मैं सपना नहीं हूँ, राखी हूँ। और जब उससे कहा कि राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो तो कहने लगी राधा कौन है, पुलिस वाले तुम्हारी फोटो दिखा कर कह रहे हैं ये सपना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राधा, एक काम करते हैं राधा, पुलिस के पास चलते हैं, तुम्हें देखकर वो सब समझ जाएंगे। बहुत झूठ बोल लिया, कह दूंगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने हत्या की है, सजा मैं भुग दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस ये मत बताना कि सपना तुम्हारी दोस्त है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, खुद को संभालो, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृष्णा, जो कुछ भी हुआ है मैं बस तुम्हें बताने ही वाली हूँ, प्लीज परेशान मत होना। मैं राधा नहीं हूँ, सपना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है कृष्णा, मैं सपना हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तब एक ऑटो ने तुम्हें धक्का मारा था। तब मैं उस ऑटो में थी, वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी वो तुमसे टकराए थे। कृष्णा! और वो कोई और नहीं कृष्णा, यही ऑटो है। मेरा मुंह दबा हुआ था, फिर भी मैंने कोशिश करके तुम्हें किसी तरह आवाज दी। कृष्णा! लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर उस दिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती तो आज हम एक साथ ही होते, हमारे सपने भी जरूर पूरे होते। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना कृष्णा? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात तुम्हें बताने की मैंने बहुत कोशिश की कृष्णा, पर कह नहीं पाई, पर आज कह रही हूँ। कृष्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सपना क्या है पता है? तुमसे शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर, मैं, तुम और हमारा बच्चा, एक प्यारा सा संसार बसाकर हमेशा के लिए अपनी उस दुनिया में खुश रहे। उसी खुशी में तुम्हारा हाथ थाम कर मेरे अंतिम समय में मैं तुम्हारा चेहरा देखकर आखिरी सांसें लूं। लेकिन मेरा सारा सपना सपना ही बनकर रह गया। कोई बात नहीं कृष्णा, हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना एक संसार बसाएंगे।
समझते हैं? जिसे बचाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की, आज मेरी वो राधा मेरे साथ नहीं है। अपनी राधा को बचाने के लिए मैंने एक कहानी रच डाली। मुझे लगा था कि उस कहानी का सूत्रधार मैं हूं, लेकिन मैं उस कहानी का किरदार कब बन गया ये मुझे पता ही नहीं चला। राधा न होकर भी मेरे साथ रही, और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मेरे साथ नहीं है। उसके बिना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चाहे मरने के बाद या दूसरा जन्म लेने के बाद। पर ये कृष्णा अपनी राधा को पाकर रहेगा।